हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर टी आर टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे मॉस्किटो, जो रैकेट होता है जिससे आप मच्छर को मारते हैं, जिसे बैडमिंटन बोलते हैं। ये देखिए, ये ख़राब हो जाए तो आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या फॉल्ट है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कभी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने के लिए। तो दोस्तों, आज इसको हम रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या समस्या है, क्या फॉल्ट है? इसको हम चार्जिंग में लगाते हैं तो चार्ज भी हो रहा है, ठीक है। बैटरी मैंने इसका चेक किया, बिल्कुल ठीक है। और जब इसको ऑन करते हैं हम तो इसकी लाइट भी जलती है। देखिए, मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ऑन करता हूँ तो इसका लाइट भी जलता है। ये देखिए लाइट भी जलती है। मैं पलट के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, इसको ऑन करता हूँ तो लाइट भी जलती है। देखिए, लाइट जल रहा है लेकिन दोस्तों स्पार्किंग नहीं होता है। ये देखिए, किसी भी तरह का स्पार्किंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, अगर पुश बटन दबाने से और ये स्विच दबाने से अगर ये ऑन हो रहा है तो स्विच वगैरह ठीक है, लाइट जल रहा है तो, लेकिन आगे नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, बहुत छोटा सा सर्किट है दोस्तों। अगर ये कभी ख़राब हो जाए आपका, तो इसे आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या फॉल्ट होती है मैं आपको थोड़ा क्लोज करके कैमरे को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, कनेक्शन है इसका, कोई जड़ा बड़ा सा तामझाम नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसका पहले प्राइमरी सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। इस पे 220 वोल्ट आता है और यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ है। ये पीएफ का नंबर है दोस्तों 474J 400 वोल्ट। इससे जाते हुए यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसी से हमारा ये बैटरी चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्विच की कनेक्शन, एक पुश बटन है, एक स्विच है, इस पे से होते हुए ये मॉस्फेट पे जाता है, और मॉस्फेट से ये एक ट्रांसफार्मर है छोटा सा, जो कि एसी को डीसी में, सॉरी डीसी को एसी में कन्वर्ट करके यहाँ पर देता है। और यहाँ पे हमें 400 वोल्टेज मिलता है, जिससे कि शॉर्ट होने से मच्छर मर जाता है, मच्छर के आ जाने से शॉर्ट हो जाता है और मच्छर मर जाता है 400 वोल्ट से। तो दोस्तों, इसमें ख़राब होने के लिए कोई चीज़ नहीं होता है। आप देखेंगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कभी ख़राब नहीं हो सकता जल्दी, ठीक है। और रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको सही दिखाई दे रहा है, अगर फूक जाता है तो जला हुआ दिखेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें दोस्तों मेन चीज़ होता है एक मॉस्फेट, आप मॉस्फेट को चेक कर लीजिए कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो ठीक है, नहीं तो आप डीसी जो होता है एलईडी टेस्टर, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे करता हूँ मैं, और कंटिन्यूटी पे करने पे आप मॉस्फेट को चेक कर लीजिए शॉर्टिंग तो नहीं है कहीं से। तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसमें 3 पिन होता है, ये देखिए, इस साइड से और इस साइड से। तो बीच में ब्लैक वाले को रखेंगे और साइड में चेक करते हैं हम। तो देखिए, ये शॉर्टिंग है पूरी तरह से। ये देखिए शॉर्ट है, बिल्कुल फुल्ली शॉर्ट है, और बीप का साउंड सुनाई दे रहा है जबकि साउंड नहीं सुनाई देना चाहिए। मैं आपको एक दूसरा चेक करके दिखा देता हूँ, जो इसका नंबर है D9, ठीक है। तो इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 674
675 के आसपास वैल्यू बता रहा है, ठीक है, और बीच में जो होता है कॉमन। लेकिन दोस्तों इसमें जो हम लगाते हैं तो फुल्ली शॉर्ट है, ये देखिए। इसको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको, और निकाल के भी चेक करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, और इसको मैं अब चेक करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो ब्लैक वाले को आप यहाँ रखिए इस पे, और यहाँ से इसे टच करेंगे तो देखिए शॉर्टिंग बताएगा। ये देखिए फुल्ली शॉर्टिंग है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। इसके जगह एक मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैं लगा देता हूँ। इसका वैल्यू देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसको लगाते समय दोस्तों इसका जो ये वाला पॉइंट है, इसको हमें इस साइड रखना है सर्किट के, ये देखिए हमने इसमें इस तरह से इसको लगा दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा सफाई कर देंगे कहीं शॉर्ट वॉर्ट ना हो, ठीक है। अब इसको हम ऑन करेंगे और देखेंगे अब चलता है कि नहीं चलता है। तो इसका पेच वगैरह हम लगा देते हैं, तो दोस्तों अब हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो इसको मैं ऑन करता हूँ और बटन प्रेस करता हूँ, तो देखिए लाइट भी जल गया है अब, जैसे पहले जल रहा था। और स्पार्किंग देख लेते हैं, तो अब स्पार्किंग भी होने लग गया है। तो दोस्तों कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं होता है, अगर चार्ज हो रहा है और बटन प्रेस करने पे अगर एलईडी भी जल रही है, तो उस कंडीशन में आप इसको चेंज कर सकते हैं मॉस्फेट को। ये 3 पिन का मॉस्फेट होता है, या इसमें जो भी वैल्यू का होता है आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसको लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।